सावन के दूसरे सोमवार को गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर पर श्रद्धालुओं ने बारी बारी से भगवान शिव को जल चढ़ाया। आपको बता दें कि मानसरोवर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया था तथा जगह जगह पर पुलिसकर्मी व केंद्र सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके संबंध में मानसरोवर मंदिर के पुजारी आचार्य रमेश त्रिपाठी ने बताया कि सावन माह का दूसरा सोमवार है। सावन के माह के विशेष सोमवार को बाबा शंभू का मानसरोवर मंदिर में जो लोग जाप करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मानसरोवर मंदिर हजारों साल पुरानी है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। इस मंदिर में जो एक बार आता है वह हर बार आता है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव को प्रसाद के रूप में मदार, पुष्प, फल, गाय का दूध, घी आदि भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरे सावन भगवान शिव का महीना चलता है, लेकिन सोमवार का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। सोमवार को महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा पाठ, रुद्र अभिषेक करती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र तथा दूध चढ़ाकर उनका पूजा अर्चना किया जाता है। उन्होंने बताया कि सावन में महिलाएं 5 सोमवार निर्जल व्रत रहती हैं। सोमवार का व्रत रहने से बहुत ही अच्छे गुणवान पति मिलते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर में पूजा करने आई महिला श्रद्धालुओं एवं मानसरोवर मंदिर के पुजारी आचार्य रमेश त्रिपाठी ने कहा, बबीता। सावन महीने हम लोग का यहाँ पर बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। सावन तो सावन में तो और अच्छा लगता है। यहाँ बाबा साक्षात एकदम दर्शन देते हैं बिल्कुल, और यहाँ की महिमा बहुत ज़्यादा है। सावन तो शंकर भगवान जी का पूरा दिन है, पूरा सावन ही शंकर भगवान जी का है। बस मानसरोवर मंदिर है, पहले मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? पहले जो पुरानी मंदिर थी वहाँ भी ऐसे ही, यहाँ पर हम लोग की आस्था थी और आज भी वैसी ही आस्था है। यहाँ पर सब मनोकामना पूरा करते हैं भगवान, और बिल्कुल साक्षात दर्शन देते हैं। सुनीता पानी है यहाँ, सभी लोग माना जाना मंदिर है, बहुत भीड़ होता है यहाँ। कराया होगी अब उनके लिए हुआ है मंदिर का? हाँ यहाँ हुआ तो था, अच्छे से हुआ था, भीड़ भी था। सावन चल रहा है, क्या होता है सावन में? क्या सावन में पूजा होता है और क्या, मतलब दिन रात क्या क्या चढ़ाया जाता है भगवान को? अरे वही भांग, धतूरा,
बेलपत्र यही सब तो चढ़ाया जाता है, महत्व मानता है। सोमवार के दिन ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सभी लोग व्रत रहते हैं, सब पूजा करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम आकर। सिद्धि गुप्ता, देखिए सावन का एक महीना चलता है जिसके अवसर पे हम हर दिन भोले जी को पूजा पाठ अर्चना सब करते हैं, लेकिन सोमवार का ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे सोमवार को महिलाएं व्रत रहती हैं, पूजा पाठ अर्चना रुद्राभिषेक वगैरह कराती हैं, तो इस वजह से सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व। अब मानसरोवर पे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, पहले तो इसको कोई पूछता नहीं था। जब से हमारे महाराज जी का यहाँ पे आशीष वचन पड़ा है और जीर्णोद्धार कराए हैं, तब से ये प्रांगण बहुत सुशोभित हो गया है और यहाँ पे आने में मनोहर दृश्य देखने को मिलता है। बैठते हैं महिलाएं, यहाँ पे आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, बैठती हैं, टहलती हैं, घूमती हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। क्या क्या चढ़ता है भोले बाबा? भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, बेलपत्र चढ़ता है, कुछ लोग दूध से अभिषेक कराते को जल चढ़ाते हैं, इस तरह से फल फूल चढ़ा करके उनका पूजा अर्चना किया जाता है। सोमवारी व्रत भी रखती हैं? जी बिल्कुल रखती हैं, जी जी पांच सोमवार रहती हैं, बिना कुछ खाए पिए रहती हैं। बहुत लोग निराजल रहती हैं, बहुत लोग तो फल खा करके ही रहती हैं। इसमें शाम में नमक नहीं खाया जाता है और ऐसे ही व्रत। मैं भी व्रत हूँ, मैं भी सोमवार का ही व्रत रखती हूँ। हाँ, ये का मान्यता है कि सोमवार का व्रत रहने से पति बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत मतलब गुणवान पति मिलते हैं। ये भोलेनाथ जी की कृपा है, वो तो महिमा है उनकी, ये सब इसीलिए महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, बच्चियाँ भी रहती हैं, सभी रहते हैं। प्रिया पांडे, सावन के महीना में पूजा किया जाता है और शंकर जी को शंकर जी को पूजा करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। क्योंकि कुंवारी लड़कियाँ इसलिए करती हैं कि उनको अच्छा पति मिले भोले नाथ जैसा। अनुराधा श्रीवास्तव, सावन का महीना तो समझिए कि हम लोग के लिए पूछिए नहीं। जैसे घर पे तो शंकर जी का डेली पूजा होता है, लेकिन यहाँ का तो कुछ और ही नज़ारा है। हाँ, बस पति प्यार करे और लंबी उम्र हो, बस व्रत इसी के लिए। मेरा व्रत इसी के लिए है कि मेरे पति खूब ज़्यादा प्यार करे और उनकी उम्र लंबी हो। यहाँ अभी हमको लग रहा है 3 साल से। आचार्य रमेश त्रिपाठी, गोरखा मंदिर। ये सावन का माह दूसरा सोमवार है। इस सावन के माह के दूसरे सोमवार को भगवान शंभु बाबा मानसरोवर के नाथ के सामने रुद्राभिषेक जो लोग करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मन उनका नाम है मानसरोवर, मन को हर मन को मुरादे को पूर्ण करने वाला, हर मन को सिद्ध करने वाला। यह मानसरोवर मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है कि यहाँ बाबा गुरु गोरक्षनाथ पूजा किए हैं, फिर दुग्विजयनाथ, अवैधनाथ, जितने संत नाथ संपदा है आते हैं और परम पूज्य उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सस्वी जी हैं, जो सावन के पहले दिन अभिषेक किए हैं और 300 दिन उनका अभिषेक होता रहता है यहाँ पे। और प्रत्येक दिन हर भक्त देखे लाइन से लगे हैं, जो एक बार यहाँ पे आता है वह बार बार यहाँ आता है, उनका हर मनोकामना सिद्ध होता है। यहाँ लमसम में धीमे लाखों लोगों की लोग आकर दर्शन करते हैं। सोमवार के दिन तो 50 से 70 हज़ार 80 हज़ार लाख भी चले जाते हैं लोग, सुबह 3 बजे से ही लाइन लग जाती है। प्रशासन की तरफ से क्या प्रशासन पुलिस मैटी वायर लगाए गए हैं, स्वच्छ वायर लगाए हैं, 2 थाना है, पुलिस लगी हैं, पुलिस आओ तो अब से स्वच्छ वायर लगी हुई, 3 बजे लोग आकर 2 बजे रात से ही लग जाते हैं, सुबह स्वच्छ लग जाते हैं। क्या क्या चढ़ाया जाता है भोले बाबा? भोले बाबा को मदार, पुष्प, फल, गाय का दूध, मधु, घी, अंगूर का जूस, तेल अभिषेक, मतलब अनेक प्रकार दूध से मनोकामना के लिए, गन्ना के जूस से विद्या के लिए, कुछ जल से रोगनाश के लिए, और आपका जैसे मतलब हर कार्य के लिए सिद्ध के लिए हर चीज़ें बनाई जाती है, अनेकों प्रकार के जल होते हैं, लेकिन दूध से उसमें विशेष करके अभिषेक करते हैं तो मनोकामना हर प्रकार सिद्ध होता है।